अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुश्की रसोई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी, तो चलिए हम उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैं सारे आलुओं को डाल दूंगी। आलुओं को हमें अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, कुछ इस तरीके से। मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ड्राइड मैंगो पाउडर अमचूर पाउडर, 4-5 ग्रीन चिलीज बिल्कुल चॉप की हुई, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। एक डो जैसा बनाना है हमें। उसके बाद हम राइस फ्लावर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, पूरा एक साथ ही हमें नहीं ऐड कर लेना है। और इसका भी हम डो बनाएंगे, ये थोड़ा स्टिकी है तो हम इसको ध्यान से बना लेंगे। और उसके बाद ही हमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को ऐड करके भी डो में मिक्स कर देना है। इसके हमें टिक्कीज़ बना लेनी है कुछ इस तरीके से। हमें इस खास चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे टिक्कीज़ हैं वो बिल्कुल पतली ना बने, कुछ इस तरीके से जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। ये थोड़ी हल्की मोटी होनी चाहिए एजेस से। ऑयल जो था वो हमारा पहले से गर्म हो चुका था, तो अब मैं सारे टिक्कीज़ को डाल दूँगी। और डो बनाने टाइम हमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने आलू लिए थे वो थोड़े ठंडे होने चाहिए, वो बिल्कुल गर्म हमें नहीं यूज़ करने हैं। तो सारे टिक्कीज़ को मैंने डाल दिया ऑयल में और इसको गोल्डन होने तक हम तलेंगे। और एक साइड हम इसको पलटते भी जाएंगे साथ साथ में कि हमारे टिक्कीज जो हैं वो जल ना जाएं एक तरफ से। गाइस, ये टिक्की खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये चाय के साथ आप खाइए, सॉस के साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में तैयार होते हैं, बहुत ही कम समय भी लगता है इसको बनाने में। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो टिक्कीज जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। तो अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे, सारे ऑयल को हम बाहर से अच्छे तरीके से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमारे टिक्कीज जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।